सबसे पहले तो मैं आपका सत्यप्रस्त को राम करता हूँ। मीडिया भाई ये पूछ रहे थे भाई विधायक होना आपकी आवाज क्यों नहीं उठाई, क्यों उठावेंगे यार, मार दिन की रोज मजा आएगा, असली लठा देने विधायक का बच्चा है, जिस टाइम पे बिल पास हुआ था सारे विधायक ने साइन मार रखा है, उनको बता दिया था आपको कितना कमीशन आपको मिलेगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएगा, जो डिस्ट्रिक्ट में जितने विधायक है ना उन्हीं के पास तो जाएगा और सीधा खट्टर की गोद में थोड़ी जाएगा, खट्टर ने तो आगे ले रहे हैं, खट्टर ने तो भगा रहे हैं, ये तो रही बात भाई, ये कहीं ना कहीं विधायक ही हमारे बाकी हो रहे हैं, ये वही सरकार है भाई, सब दुष्यंत वाली जो ये कह देगी इसको हम जमुना पार कर दे, जमुना पार कर दे, कहां जमुना पार करें थे बीजेपी की गोदी मारने के बैठ गए, ये तो भाई कहीं ना कहीं भाई ये सारे इकट्ठे हो गए, ये माल चटना चाहे है भाई, कौन उठाओगे आवाज, वास्तविक हम बतावेंगे ना कौन उठाओगे 2024 में, हमने बेरा मारी वहां ठंडी हल्का में कौन है, उसी के साथ लगाएंगे हमें, रही बात हम बार बार इनको जगा रहे हैं भाई, जाग जाओ नहीं जाग देंगे तो मैंने कहा ला जाए मैंने कही थी भाई लठा, सही बात है हमारे लठा मारने लग रहे हैं, ये तो हमारे पुलिस वाले तो हमारे भाई है भाई, कानून से बंधे हुए हैं हम भी कानून से बंधे हुए, लेकिन जो हमारा लठ लग रहा लटका हमला मारेंगे नहीं गए, हमने बेरा ना लटकू कर मारे आकर गलियां मांगे जब कित को डले आकर कित को लठा कर हम बता देंगे भाई, इन्हें खट्टर साहब ने फाइनल डिसीजन दे दिया, फाइनल फैसला यो नहीं बदला है, फिर के बात होगी खट्टर ने बदल देंगे, अब खट्टर तो होगा बैठे हैं, एक मिनट में बदल दे, फाइनल फैसला हमने भी आवे है, ठीक है ठीक है, कुछ पूछो मेरे था जो थारा मन करे आने दो ही पता नहीं, ठीक है एक मिनट, के नाम आपका भाई सतीश रेड्डी, सरपंच हो आप, प्रतिनिधि हो भाई, ठीक है, हर समाज से कोई नहीं सरपंच, कोई बात नहीं, क्या नाम है बेंजी, मेरा नाम प्रीति देवी, क्या कहना है आज से, कहना क्या भैया, हमारी मांगे हैं जो उनको लेकर आए हैं और हम शांति से बैठे हैं, अच्छा भाई कोई नहीं मांग का मारे बात नहीं, आपको भी कितनी देर भाई जी, एक खास मुद्दा हम भाई की, और आज भी शांति से आए हैं, जो उन्होंने एक कविता है एक दिन का, अरे हम बोले बारिश की बात करें, वाटर कैनल की बात करें, तैयार करती है, बड़ा लाठी चार्ज करेगा, आज फिर सरपंच विधानसभा का घेराव करने की बात चली गई थी, लेकिन विधानसभा का घेराव नहीं को है, सरपंचों को रोक लिया, सरपंच मेरे साथ मौजूद है, वीडियो आपने पहले भी देखी थी, बड़े क्रांतिकारी बड़े जोशी के सरपंच है, सबसे पहले तो आपके आज मैं कॉल करी थी विधानसभा का घेराव करिए, टेक्निकल इंजीनियर कहना चाहते हैं आपको, खुद के अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, खुद के अधिकारियों पर भरोसा नहीं है तो हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम कैसे लगा रहे हैं आप, अरे जो चीजें पहले से हैं वायद बयान देकर वही जनता को फाड़ना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ पहले अपने अंदर के अधिकारियों से ये पूछिए, आप बयान जो दे रहे हैं वो चीजें पहले से वो अधिकारी पहले से हैं या ना है, पहले खुद स्पष्टीकरण करिए अपने अधिकारियों से, उसके बाद आप कोई उलझुल बयान दीजिएगा, यहाँ करोगे अगर यहाँ फैसला नहीं हुआ तो सरकार को बताना चाहते हैं, हम जंतर मंतर भी घेरना चाहते हैं, 13 महीने के तो आगे भी घेरना चाहते हैं, और जो बार बार ये हमें टेक्निकल इंजीनियर एस्टिमेट ये देकर बैठा रहे हैं ना, तो इनको बताना चाहते हूँ भाई, जो पुराने सरपंच उनने पूछ लिया तो हमने जो नीति लागू करने की कह रहे हैं ना वो पहले से है, सिर्फ जनता को बहकाने का और फाड़ने का काम किया जा रहा है, यहाँ सरकार चाहती है लोकतंत्र को लठतंत्र में बदलना, इसी संविधान के 73वें संविधान की सूची में 11वीं सूची में 29 अधिकार दिए गए हमें और 29 अधिकारों का हनन किया जा रहा है, लेकिन सरकार क्या चाहती है हमें सिर्फ ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के नाम पर बांटना चाहती है, एक लेबल लगा दिया सरपंचों के ऊपर भी ई टेंडरिंग का विरोध करें राइट टू रिकॉल का विरोध करें, हम विरोध हमारे जो 29 अधिकारों का सरकार ने हनन किया उसका विरोध करें, ये तो सरकार लेबल लगाकर यहाँ के भाईचारे को फाड़ने का काम कर रही है, वही सरपंच है वही बैरिकेड है और वही जगह है,